मॉर्निंग गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो सीटेट के करेक्शन फॉर्म्स आए हैं उनके बारे में कि आपको कैसे उसमें करेक्शन करना है। दोस्तों, ये फॉर्म में जब करेक्शन कर रहे हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट एक गलती कर रहे हैं जो कि आपको नहीं करनी है। इस वीडियो में आपको बता दूंगा प्रॉपरली कि कैसे आपको ये फॉर्म फिल करना है और किस प्रकार से आपका ये करेक्शन सही और सक्सेसफुल हो पाएगा, वरना आपका टाइम बर्बाद होगा, आप इसमें कर नहीं पाओगे, बहुत ज़्यादा इश्यूज होंगे, आप सही ट्रैक पे आओगे, पर यह है कि बहुत बार वो रिपीट करने के बाद, समझने के बाद। तो मैं आपको इसमें स्टेप बाय स्टेप पहले ही बता देता हूँ कि कैसे कैसे आपको इसमें करेक्शन करना है। तो सबसे पहले आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे, जिसका मैं लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और इसके साथ ही मैं इस करेक्शन विंडो का लिंक भी आपको डायरेक्टली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जस्ट इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ये हमने कर दिया है। अभी इसकी कोई लास्ट डेट नहीं बताई गई है, परंतु जब तक ये चल रहा है तब तक आप इसे कर लीजिए। अब यहाँ पे आप अपने रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डालने से पहले जो आपको इम्पोर्टेंट काम करना है, अगर आप मोबाइल से फिल कर रहे हो तो ये उनके लिए है जो मोबाइल से फिल कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको जाना है, ये जो आपको 3 डॉट का आइकन दिख रहा है, तीर का एरो, कईयों के यहाँ पे 3 डॉट होगा, तो इस पर क्लिक करेंगे, और इसमें जो ये आपको डेस्कटॉप आइकन दिख रहा है इस पर क्लिक कर लेंगे। इस तरीके से करने के बाद तब आप इसमें फॉर्म को फिल करना शुरू करेंगे। यहाँ पे डालेंगे आप एप्लीकेशन नंबर, यहाँ पे आप पासवर्ड डालेंगे, यहाँ सिक्योरिटी पिन डालेंगे ये वाली, और इसे लॉगिन कर लेंगे। तो जब आप लॉगिन करेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आएगा, और यहाँ पे लिखा होगा करेक्शन एप्लीकेशन फॉर्म, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। और जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको शो करने लगेगा कि आपके स्टेप बाय स्टेप सारे दिए होंगे कि किस में आपको करेक्शन करना है। आपको अपने पर्सनल डिटेल में करना है, क्वालिफिकेशन में करना है, सेंटर में करना है, डिटेल्स में आपको करेक्शन करना है। फाइनल सबमिशन से पहले आप देख लीजिएगा, हम यहाँ पे करेक्शन कर चुके हैं, इस वजह से हमें ऐसा इंटरफेस शो हो रहा है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया किस तरीके से आपको सीटेट का ये फॉर्म फिल करना है और किन बातों का ध्यान रखना है और किस प्रकार से करेक्शन करना है। तो इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हम मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।